अध्याय 30। मदालसा ने अपने बेटे को बताया, बेटा अब सुनो कि श्राद्ध में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी चीजें निषिद्ध हैं और गृह स्थोचित सदाचार का क्या नियम है, भक्तिपूर्वक लाई हुई कौन सी वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन सी वस्तु उन्हें पसंद नहीं है, इस बात का वर्णन सुनो। हवियाश्न से पितरों को एक महीने तक की तृप्ति होती है, गाय का दूध और उससे बनी हुई खीर से एक साल तक की तृप्ति हो जाती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ हो उसके बेटे और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रह जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अन्नों में शामक के चावल, राज शामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कल, ये पितरों को तृप्त करते हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। मकई, काला उड़द, विप्रुषी और मसूर ये श्राद्ध के लिए ठीक नहीं माने जाते। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन वस्तुएं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ अलग से जो नमक है, ये सब श्राद्ध में नहीं इस्तेमाल होता। जिस भी वस्तु की प्रशंसा कभी ना हो पाती हो वो श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्यों के से आया हुआ, अन्याय से और कन्या को बेचकर प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं होता। दुर्गंधित, फेन युक्त, थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ जल जहां गाय प्यास न बुझा सके उसको श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मृगी, भेड़, ऊंटनी, घोड़ी, भैंस और चवरी गाय का दूध श्राद्ध में मना है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दे दो, ऐसा करके मांगा हुआ दूध भी श्राद्ध में ग्रहण नहीं किया जाता। जहां बहुत से जंतु रहते हैं, जो रूखी और आग से जली हुई जगह हो, जहां दुष्ट शब्द सुनाई देते हो, जहां भयानक दुर्गंध आती हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान और हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी, ये अपनी दृष्टि से भी श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति से निकाला हुआ मुर्गा, ग्रामीण सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्राद्ध करते समय चारों ओर से ओट कर लेनी चाहिए, पृथ्वी पर तिल बिखेर देने चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध की रक्षा हो जाती है। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी हो और दुर्गंध हो, ऐसी वस्तु को श्राद्ध में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। बैंगन और शराब का भी त्याग करना चाहिए। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वो भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनका नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूरे श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है वह वे जैसा आहार करते होते हैं उसी रूप में उन्हें मिलता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुषों को ठीक है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मणों को दान करें। विद्वान मनुष्य योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराते हैं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का हमेशा पूजन करो। हजार ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक योगी मिल जाए तो उसे भोजन कराओ तो वो नैया पार लगा देगा। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का गान किया करते हैं जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, या गया में जाकर उत्तम हवन करके पिंड, सामयिक शाक और तिल मिली हुई खिचड़ी हमें देगा। ये वस्तुएं हमें एक महीने तक तृप्त रखती हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध किया जाए और दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दें
तो हमें अत्यंत तृप्ति मिलती है। इसलिए बेटे, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति और पाप से मुक्ति चाहने वाले हर मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। इस तरह गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य यानी कि श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों और भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत, प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष और भी अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करते हैं, उन्हें तो पाप भोगना होता है।